गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम हिंदी लिटरेचर की क्लास में पाठ पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज वास्तविकता। यह पाठ हमारे प्राकल्य कार्य का विषय भी है। भारत प्राचीन काल से ही एक महान देश रहा है और आज भी है। भारत की महानता के कई कारण हैं। शौर्य गाथाओं से भरपूर इतिहास, विभिन्न सभ्यताओं व संस्कृतियों का अद्भुत मेल, साहित्य की विभिन्नता को दर्शाते वेद वेदांत इत्यादि। क्या आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत की खोज कब और किसने की थी? आप में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन ने 1687 ईस्वी में की है ना? लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य मिश्रित खुशी होगी कि न्यूटन तो छोड़ो, जब न्यूटन के दादा परदादा वगैरह जंगलों में घूमा करते थे और कंदराओं में रहा करते थे, उस समय से भी पहले हमारे ऋषि मुनि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पहचान कर उसे ग्रंथों में लिपिबद्ध कर चुके थे, अर्थात उसके बारे में लिख चुके थे। वास्तव में हमारे वैदिक ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाने के लिए कई सूत्र हैं। बृहद जावाल उपनिषद में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आधार शक्ति कहा गया। इसके दो भाग किए गए, ऊर्ध्व शक्ति या ऊर्ध्वंग, अर्थात ऊपर की ओर खींचकर जाना, जैसे अग्नि का ऊपर की ओर जाना। आप देखते हैं अग्नि की लपट हमेशा ऊपर की ओर जाती है। दूसरा है अधः शक्ति या निम्नग, यानी नीचे की ओर खींचकर जाना, जैसे जल का नीचे की ओर जाना या पत्थर आदि का नीचे आना। बृहत उपनिषद में इसे निम्नलिखित सूत्र से समझाया गया है, अग्नि शोषात्मकम जगत आधार शक्त्या वर्ध्रतः कालाग्निरयम् ऊर्ध्वंगः तथैव निम्नगः सोमः, अर्थात सारा संसार अग्नि और सोम का समन्वय है। जहाँ अग्नि की ऊर्ध्व गति है तथा सोम की अधोशक्ति अर्थात निचली शक्ति है, और इन दोनों शक्तियों के आकर्षण से ही संसार रुका हुआ है, टिका हुआ है। 150 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए लिखा था, लोष्ठः क्षिप्तो बाहुवेगं गत्वा नैव तिर्यक् गच्छति नोर्ध्वमारोहति पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छति आंतर्यतः। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार की है कि यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ऊपर चढ़ता है, वह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वापस पृथ्वी पर ही आ जाता है। और तो और, भास्कराचार्य द्वितीय ने भी अपने सिद्धांत शिरोमणि, उनकी पुस्तक का नाम है, उसमें लिखा है, आकृष्ट शक्तिश्च महितया यत् खस्थम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क्व पतत्विज्ञम्खे। कहने का मतलब है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है और वह वस्तु पृथ्वी पर गिरती हुई सी लगती है। पृथ्वी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है, अतः वह निराधार आकाश में स्थित है। निराधार आकाश क्यों कहा गया? क्योंकि आकाश का कोई आधार नहीं है तथा अपने स्थान से हटती नहीं है और ना ही गिरती है, बल्कि वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है, अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में घूमती है। लाखों वर्ष पूर्व रचित ऋग्वेद का मंत्र है, यदा ते हर्यता हरि वावृधाते दिवे दिवे आदित्य विश्वा भुवनानि ये मेरे। सब लोगों का सूर्य के साथ आकर्षण और सूर्य आदि लोगों का परमेश्वर के साथ आकर्षण है। इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े गुण हैं और उनसे सब लोगों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रतिधारण, आकर्षण और प्रकाश होता है। इस कारण से सब लोग अपनी अपनी कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते, अर्थात हिलडुल भी नहीं सकते। क्या इतने प्रमाणों के बाद भी किसी का ये कहना कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन ने की है उचित है? हमारे देश की गौरव गाथा जितनी बताई जाए उतनी कम है। संसार ने
जो परमाणु बम, हवाई जहाज और मिसाइल अभी कुछ वर्षों पहले ही बनाए थे, जबकि हमारे पूर्वज हजारों हजार वर्ष पूर्व इन्हें क्रमशः ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र व पुष्पक विमान के रूप में बना चुके थे। इनका वर्णन हम रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ चुके हैं, क्योंकि रामायण में जब जिस विमान के द्वारा रावण लंका से आकर और माता सीता का अपहरण करते हैं, वह और नहीं पुष्पक विमान है। तो मान गए ना बच्चों अपने देश का वर्चस्व। बच्चों आपको प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल्स वाले वीडियो में भी बताया गया है कि किस किस पेज नंबर के किन किन पैराग्राफ्स को आपको लिखना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सबसे पहले आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत की खोज कब और किसने की थी। तो उसका जो उत्तर है, जो कि प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है, वो वही है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन ने 1687 ईस्वी में की। ये लिखेंगे, इसके बाद आप विविध विचार जो हैं वैज्ञानिकों के और विविध मत हैं जो वैदिक ग्रंथों के, उसके अनुसार बृहद जावाल उपनिषद के ऊर्ध्व शक्ति या ऊर्ध्वंग, अधः शक्ति या निम्नग, बृहद उपनिषद वाले श्लोक उसका अर्थ, साथ ही आप लिखेंगे महाभाष्य में दिए गए श्लोक का अर्थ और भास्कराचार्य द्वितीय के सिद्धांत शिरोमणि में जिस बात की चर्चा है उसे लिखेंगे, ऋग्वेद का मंत्र भी आप लिखेंगे। लिखित कार्य में प्रोजेक्ट वर्क में आपको इतना ही लिखना है, उसे आप साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।